नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। हिंदू धार्मिक स्थानों पर प्रेमियों द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता के खिलाफ शिव सैनिकों ने पुलिस अधीक्षक के नाम एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें कहा गया कि मंदिरों में प्रेमी युगलों द्वारा अश्लीलता फैलाई जा रही है। मंदिरों को इन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है। मौका पाते ही यह घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं, जिस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अगर पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में विलंब करती है तो शिवसेना स्वयं टोलियां बनाकर मंदिरों में अपनी पैनी नजर रखेगी और अश्लीलता करते पाए जाने पर शिवसेना अपने स्टाइल में इनको सबक सिखाएगी। इस बार वैलेंटाइंस डे पर भी शिव सैनिकों का विरोध 14 फरवरी तक सीमित नहीं रहेगा। फरवरी माह के पहले दिन से ही शिव सैनिकों की नजर पाश्चात्य संस्कृति और अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले रेस्टोरेंट होटल पार्क पर रहेगी। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। किस संदर्भ में यहाँ ज्ञापन देने आए? आज सागर के शिव सैनिकों ने जिला प्रमुख दीपक ठाकुर जी के नेतृत्व में माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और स्मरण कराया है कि जनवरी के बाद फरवरी आने वाली है, लेकिन हमारे कुछ पाश्चात्य संस्कृति के युवा फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। उनसे आज शिवसेना ने पत्र दिया है एसपी साहब को कि अगर हमारी बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकत करते हुए अगर कोई भी युवा जोड़ी पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ शिवसैनिक सख्त लहजे से पेश आए, उसके पहले ही पुलिस प्रशासन को कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। अब शिवसेना आवेदन निवेदन धनादन के साथ साथ उनको उठक बिठकी भी लगवाएगी, उनका कालामू भी करेगी और मौका पड़ेगा तो उनका विवाह भी करवा देगी, क्योंकि शिवसेना हमेशा अश्लीलता का विरोध करती आई है। पाश्चात्य संस्कृति की विकृत मानसिकता मुंबई में फैले, दिल्ली में फैले, भोपाल कलकत्ता में मुख्यमंत्री जी के पास फैले, लेकिन सागर शहर के पार्कों में, सागर शहर के धार्मिक क्षेत्रों में, क्योंकि कुछ युवाओं ने हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को अश्लीलता का अड्डा बना लिया है, वो वहाँ पर अश्लील हरकतें करते हैं और ऐसे युवा धार्मिक स्थल पर अश्लील हरकत करते पाए गए तो हमारे शिवसैनिक, हमारी शिवसेना के पदाधिकारी मुँह तोड़ उनको जवाब देंगे, पुलिस को उनको सुपुर्द करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। शहर में प्रेमी युगलों द्वारा धार्मिक स्थानों पर फैलाई जा रही अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाने का दिशा अंतर्गत लेख है कि फरवरी माह की 24 तारीख को प्रेमी युगल द्वारा त्यौहार की तरह मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी से देखने लगे हैं। धार्मिक स्थानों पर इनके द्वारा अश्लीलता का प्रदर्शन किया जाता है। इन्होंने धार्मिक स्थानों को अपना ठिकाना बना लिया है, जहाँ यह घंटों